मोदी सरकार, मोदी सरकार। जिन्नी देर तक इन्होंने नाता नहीं तोड़न गए असि इन्हों का पिट स्यापा नित करा गे उदे साडे राणिया हल्के दे उट्टू पिंड दे विच पहुंचे सी समझाण दे लई किसानां नूं ते पानी मंगण दे लई SYL दा ते मेरे हिसाब नाल बहुत वधिया तरीके नाल मीडिया भी उस दिन पहुंचा सी जिमीदारां ने इन्हां नूं पानी देता उस दिन अद्धे जिहड़े गए सी उह ते अद्धे टैंकर भर गए किसान एकता जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद जिहड़े रह गए ने लीडर उन्हां नूं वी ऐ ही पानी देवांगे जिन्नी देर तक बीजेपी सरकार नाल आपदा नाता नहीं तोड़न गए इस भ्रष्ट सरकार नालों ये किसानां नूं मरन वाली मारू सरकार दे नालों नाता नहीं तोड़नगे असी पिंडां दे पिंड जिन्ने भी ने सारे लामबंद होके इन्हां दे इंजी पुतले फूकांगे इन्हां नूं पिंड नहीं बन देंगे जिहड़े पिंड पैलेस ए जाणगे असी उत्थे इन्हां दा काले झंडिया दे नाल विरोध करांगे साडा ये विरोध शांतमई तरीके नाल काले झंडिया नाल इन्हां दा घराओ करना है असी सारिया ने यह चीज साडियां नैशनल जथेबंदियां हर बार सानूं कहिंदियां ने असी उसे तरीके नाल कर रहे हां पर यह सरकार चाहती है टकराव की स्थिति पैदा की जाए इन्हों के लोग चाहते हैं कि असं अमन सामने होके इन्हों भिड़िए थोड़ा जा सूझबंदी चलना है आपां पर इन्हों के प्रोग्राम नहीं होने देने जिहड़े साडे विच दे बहकाए हुए लोग ने जिहड़े इन्हों के लीडर ने जिहड़े इन्हों के पिट्ठू लोग ही असं टकरांगे उन्होंने लोगों जिहड़े आपके भाईचारे छड्ड के इन्हों के पिछे जाते हैं अभी उन्होंने यह भी चेतावनी देंगे कि असं उन्होंने बहिष्कार करांगे उन्होंने घर आना जाना उन्होंने व्यापार नालों दुकानदारी नालों हर एक चीज़ नालों असं आपका वास्ता तोड़ देंगे। जब से काले कानून बनाए तब से ये समझाने में लगी है भी काले कानून किसानों के हक में है, काले कानून किसानों के हक में है, लेकिन जब हमारे किसान आगू जो हमारे जथेबंदियां हैं किसानों की नुमाइंदगी कर रहे हैं दिल्ली के बॉर्डरों के ऊपर, वो जब मिलने जाते हैं कृषि मंत्री से मिले, अमित शाह से मिले, वो उनको जब पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं तो कहते हैं हाँ ये तो कमी है, ये तो कमी है, ये तो कमी है। जब उसमें बिल में कमियाँ ही कमियाँ हैं तो फिर बिल लाना किस लिए है? जब हमने हमारा पेट भरा हुआ है फिर भी आप ठूस ठूस के खिलवाड़े हम क्यों खाएंगे? हमारे को ये कानून नहीं चाहिए थे, पहले भी नहीं चाहिए थे, आज भी नहीं चाहिए, कल भी नहीं चाहिए होंगे। इसलिए हमारी एक और पूरी जोर से मांग यही है ये काले कानून रद्द हों, वो बिजली बिल है जो वो भी रद्द हो जो बनाना है, उसके बाद ये जो पराली का कानून बनाया उसके लिए भी, जो हमारी किसान जथेबंदियाँ बैठी हैं उन्होंने जब पूरी वार्ता कर ली, एक तरफ तो ये कह रहे हैं भी हाँ कमी है, दूसरी तरफ एक मंत्री बयान दे रहा है भी ये नहीं किसान है, अमित शाह ने बोला ये किसान है, और दूसरे मंत्री ये बयान दे रहे हैं भी ये किसान नहीं, ये तो फलानी पार्टी के हैं, दूसरी पार्टी के हैं, तीसरी पार्टी हैं, ये पार्टियों के नहीं हैं, ये जो वहाँ सड़कों पर बैठे हैं चाहे कोई किसान है, किसानी से जुड़े हुए कारोबार से लोग हैं वो किसान हैं, उनकी कोई पार्टी भी किसानी है, उनका धर्म भी किसानी है, उनकी जात भी किसानी है, उसका मजहब भी किसानी है, जो किसानों के आंदोलन में खड़े हैं। इसलिए हमारी सरकार से अपील है भी जल्द से जल्द इन काले कानूनों को वापस लेके जो हमारे 5 साल से उम्र के बच्चों से लेके 95 साल के बुजुर्ग हमारी माताएं बहनें जो बैठी हैं उनको घर भेजने का काम करें। दूसरा ये कह रहे हैं ये तो 5-स्टार आंदोलन है, 7-स्टार आंदोलन है, ऐसा है वैसा है, इन लोगों की सोच देखो, मानसिकता देखो भी, ये लोग 6-7 सालों में हजारों करोड़ रुपए के प्रॉपर्टियां खरीद के अपने दफ्तर बना रहे हैं बीजेपी वाले RSS वाले। अगर हमारे किसान ने मेहनत करके अगर अच्छे कपड़े पहन लिए, अच्छी गाड़ियां ले ली, अच्छे साधन बना लिए तो क्यों इनके पेट में दर्द हो रहा है? ये चाहते हैं भी किसान वो ही पुराना किसान हो, अड्डी उसकी अड्डी जो फटी हुई अड्डियाँ वाला हो, फटे पुराने कुत्ते पजामे डाले हों, कितनी गंदी और कितनी घटिया सोच इन लोगों की। दूसरा इन लोगों ने ये जो मोदी ने जो भी कदम उठाया है, ये परमपिता परमात्मा ने जो भी इसने कर्म बताया वो सारा सब कुछ देख रहा है, उसने जो इसने बोला है इसके अगेंस्ट गया है, चाहे SYL का मुद्दा था लोगों ने सबने पानी पिला दिया इसको भी, इतने दिन से तुम गठबंधन में थे, आपकी उधर भी सरकार थी इधर भी सरकार थी, आज तक कभी एक मंत्री के एक
भी इनके मुख्यमंत्री के मुंह से ये बात नहीं निकली और आज ये पानी लेके और भी फर्जी किसान लेके। हमारा जो 27 तारीख का हमारी जो संयुक्त किसान मोर्चा और पंजाब की पूरे किसान भारतवर्ष के पूरी प्रांतों के जो किसानों के प्रतिनिधित्व हैं कर रहे हैं लोग, उनकी जो आह्वान है 23 का आज का प्रोग्राम हो गया, एक दिन का हमने एक टाइम का हमने सबने खाना नहीं खाया, व्रत उपवास रखा है उनके नाम। दूसरा 25, 26 और 27 का हरियाणा का टोल मुक्त करना है, पूरे पर्ची फ्री करना हरियाणा को। 26 और 27 को जो एनडीए के घटक दल हैं, जहाँ जो जैसे गोपाल कांडा जैसे की स्थिति क्लियर नहीं है, उनके घरों में जाके उनका मेमोरेंडम देना है, उनको भी अपनी स्थिति क्लियर करें भी किसान के साथ हैं या इस भ्रष्ट सरकार के सरकार हैं, गंदी बोली सरकार के साथ हैं उनके लिए। 27 तारीख को जो प्रधानमंत्री मन की बात, वो मन की बात करेगा, हम मन की बढ़ास निकालेंगे, वो तो मन की बात करेगा, हमारे मन में जो बढ़ास है उसके प्रति वो निकालेंगे, ढोल से, नगाड़ों से, तालियों से, थालियों से, जैसे भी होगा हम उसकी जो आवाज़ जो उसकी बात का जवाब देंगे। आज रंजीत सिंह का पुतला फूका गया क्योंकि पहले प्रोग्राम बना होता है ये धरना स्थल से, क्योंकि हमारी लड़ाई इस प्रशासन से जो सहभागी हैं उसके, जय दुष्यंत है, जय रंजीत है, जो कोई भी है उनसे है। हमारा जो संयुक्त किसान मोर्चे का प्रोग्राम होता है वो भी हम करते हैं, अगर किसी ने हमारे लोकल प्रोग्राम किया वो उसमें भी हम बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, क्योंकि हमने तो प्रदर्शन करना है, कैसे किसी रूप में करें वो प्रदर्शन करना है, उसी रूप का एक हिस्सा था, उसी रूप में ये प्रदर्शन हुआ है, उसी रूप में इस रंजीत चौटाले का पुतला फूका गया, अभी उसको भी अभी भी टाइम है, क्योंकि ये किसान है जो बहुत सॉफ्ट हार्टेड कुत्ता है, ये अभी भी माफ़ कर देगा, इसलिए ये अपनी गद्दी का लाल छोड़ के अपने ताऊ देवीलाल को अपने आप का अगर वंश मानते हैं तो ये किसानी के साथ आएँ। और हम जताना चाहते हैं सरकार को भी, अभी इलेक्शन है, पंचायती इलेक्शन भी है, पहले तो हम खाली खाली झंडियाँ दिखाते थे, अब हम खाली झंडियाँ नहीं दिखाएंगे, झंडे के नीचे डंडा भी है। हम कोई प्रोग्राम किसी भी गाँव में, किसी भी शहर में, किसी भी जो इस हमारे काले कानूनों के हक में है उनको नहीं करने देंगे।